रॉयल इनफील्ड महज एक बाइक नहीं है। सालों से चलती आ रही इस बाइक से लोगों के जज्बात जुड़े हैं। कभी अंग्रेजों की पसंद रही यह बाइक आज भी भारत की सर्वश्रेष्ठ बाइक में से एक मानी जाती है। इसके बुलेट मॉडल के तो क्या ही कहने, जितनी दीवानगी भारत में बुलेट के लिए है उतनी शायद ही किसी और बाइक के लिए हो। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं रॉयल इनफील्ड के सफ़र पर और जानते हैं कि आखिर ये बाइक कैसे बनी भारतीय लोगों के दिल की धड़कन। दी इनफील्ड साइकिल कंपनी काफ़ी पहले से मोटरसाइकिल मार्केट में छाई हुई थी, मगर इसे असली पहचान मिली 1901 में जब कंपनी ने अपनी रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल को लॉन्च किया। इसके बाद से ही भारत और विश्व भर में रॉयल इनफील्ड का नाम हुआ। रॉयल इनफील्ड की बाइक्स काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। यही कारण है कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सेना ने इस बाइक का खूब इस्तेमाल किया। इसके जरिए सैनिक कच्चे रास्तों पर भी अपनी इस मजबूत बाइक को चला पाते थे। अपनी इसी खूबी के कारण ही रॉयल इनफील्ड का बिजनेस बढ़ने लगा। कई सालों तक कई नए नए मॉडल इनफील्ड कंपनी बनाती रही। कुछ सेना के लिए होते तो कुछ मॉडल आम लोगों के लिए बनाए जाते। कंपनी हर तरफ अपने नाम का परचम लहराना चाहती थी। 1931 का साल रॉयल इनफील्ड के लिए सबसे बढ़िया रहा, क्योंकि इस साल ही कंपनी ने अपनी विश्व प्रसिद्ध बाइक बुलेट निकाली। यह बाइक रॉयल इनफील्ड की बाकी बाइक से बिल्कुल अलग थी। इसमें 350 सीसी का दमदार इंजन लगा हुआ था। यह उस समय की रॉयल इनफील्ड की सबसे दमदार बाइक थी। भारत के कच्चे रास्तों पर इस बाइक ने सफ़र को आसान और आरामदायक बनाया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बुलेट ने अपना खूब योगदान दिया। जंग के मैदान में सैनिकों के लिए यह बेहद ही लाभकारी साबित हुई। ब्रिटिश और इंडियन सैनिकों को बुलेट दी गई ताकि वह जंग के मैदान में इसका इस्तेमाल करे। वह इन पर अपना सामान, हथियार और भी बहुत सी चीज़ें लाद कर ले जाते थे। जंग लड़ने में इस बाइक ने सैनिकों की बहुत मदद करी। एक बार जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और अंग्रेज वापस अपने देश लौट गए, पर बुलेट ने भारत के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। जंग के कारण कंपनी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, मगर वह फिर भी चलती रही। धीरे धीरे भारत में भी लोगों को यह पसंद आने लगी। धीरे धीरे इसने भारत के लोगों के सामने अपनी एक अलग पहचान बनाना शुरू कर दिया। भारत के लोगों के लिए बुलेट शुरुआत में थोड़ी महंगी हुआ करती थी, क्योंकि इसे ब्रिटिश कंपनी बनाया करती थी, इसलिए इसके दाम ज़्यादा थे। मगर 1955 में सब बदल गया। द एनफील्ड साइकिल कंपनी को घाटा होने लगा, जिसके कारण उन्होंने भारत की मद्रास मोटर्स के साथ समझौता कर लिया। दोनों ही कंपनियों ने मिलकर बुलेट का प्रोडक्शन जारी रखा और इसके साथ ही जन्म हुआ एनफील्ड इंडिया का। भारत में प्रोडक्शन शुरू होने के कारण बुलेट के दाम काफ़ी गिर गए। यही वजह बनी कि कई लोग इसे खरीदने में सक्षम हो पाए। बुलेट का एक नया 350 सीसी का मॉडल निकाला गया, जिसकी सबसे पहली खरीदार बनी भारत सरकार। भारत सरकार अपनी पुलिस और सेना के लिए अच्छी और मजबूत बाइक खरीदने का सोच रही थी कि बुलेट भारत में शुरू हो गई। इसके बाद खुद सरकार ने ही इसके बहुत सारे मॉडल खरीदे। 1960 तक बुलेट के अधिकतर पुर्जे भारत में ही बनने लगे, जिसके कारण दाम और भी कम हो गया और आम लोगों के पास भी यह बाइक दिखाई देने लगी। कंपनी ने बुलेट के नए मॉडल भी निकाले। बुलेट के 350 और 500 सीसी के दो नए मॉडल 1960 में लोगों के सामने आए। भारत में मजबूती और स्टेबिलिटी के मामले में इससे बढ़िया कोई भी बाइक नहीं थी। कई और कंपनी की बाइक्स भी इसके सामने आई, पर इसकी लोकप्रियता के आगे एक भी नहीं टिक पाई। 1990 से ही बुलेट के ऊपर काले बादल मंडराने लगे। मार्केट में कई सारी नई और सस्ती बाइक्स आ गई थी। अचानक से ही बुलेट को भारी नुकसान हो गया, जिसके कारण एनफील्ड इंडिया को अपनी कई सारी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी। इसके बाद सिर्फ चेन्नई में ही एकमात्र फैक्ट्री बची,
और वहीं से उन्होंने अपनी एक नई शुरुआत की। 2013 तक कंपनी को काफ़ी मुश्किल हुई खुद को वापस से मार्केट में लाने में, मगर आखिरकार यह वापस आ ही गई। इस बार युवाओं में इसे खरीदने का जोश देखा गया। देखते ही देखते यह एक कूल बाइक बन गई। बाइक रैली करने वालों को तो यह सबसे ज़्यादा मुफीद रही। फिर से मार्केट में आने के बाद रॉयल इनफील्ड ने अपने कई नए मॉडल निकाले, जिसमें बुलेट क्लासिक, थंडरबर्ड, हिमालयन, डेजर्ट स्ट्रॉम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। बॉलीवुड तक में इसे इस्तेमाल किया गया। जब तक है जान और भाग मिल्खा भाग जैसी बॉलीवुड फिल्मों में इस बाइक ने अपना योगदान दिया है। आज विदेशों तक बुलेट की तारीफ होती है। 2015 में 26 जनवरी के मौके पर भारतीय सैनिकों का बुलेट पर दिखाया करतब बेहद शानदार और प्रशंसनीय था। आज रॉयल इनफील्ड और इसकी बुलेट दोनों ही भारत में छाई हुई है। हर जगह बस इनका ही जलवा है। बीते कुछ सालों में इसकी बिक्री इतनी बढ़ गई है कि आज यह बाइक मार्केट के अपने सेगमेंट में शिखर पर है। तो दोस्तों, यह था भारत की चहेती बाइक बुलेट का सफ़र। दोस्तों, अगर आपने भी बुलेट की सवारी का आनंद लिया है तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले